तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। अपने अंदर अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलाने के लिए तो लोग है ना। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए तो लोग है ना। प्यार करना है तो SHPL से कर, दुश्मनी के लिए तो लोग है ना। रहना है तो बच्चा बनकर रह, समझदार बनने के लिए तो लोग है ना। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए तो लोग है ना। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए तो लोग है ना। खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। जो भी करना है तू आज कर, कल कहने के लिए तो लोग है ना। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और आज थर्सडे, जबरदस्त जनवरी में आज ये थर्सडे का दिन है, ये बहुत ही खास है क्योंकि आज गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हम इस सेशन को कर रहे हैं। और सभी को कल के दिन के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए बहुत 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 बधाई। और ये गणतंत्र दिवस हमें बहुत मुश्किलों से, बहुत बलिदान से, बहुत त्याग से, बहुत मेहनत से मिला था। तो मैं तहे दिल से सभी भारतवासियों को कल के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज सभी का तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ इस वेबिनार में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और जहां पर भी होंगे SHPL के बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे। और आज एक खास दिन था, ऑफर का आखिरी दिन 25 जनवरी, और उम्मीद यही है कि सभी ने इस ऑफर का फायदा उठाया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज लीडरशिप ट्रेनिंग में एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि SHPL में अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप का जो लेवल है अभी आज की तारीख पे, जो टॉप के लेवल जो है उस लेवल पर वो सम्मानित हैं। और उस लेवल का नाम है प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं 10 सेकंड के लिए। मुझे आप उनका नाम बताइएगा और फिर उनका स्वागत करते हैं और फिर उनसे हम सीखते हैं। तो यहां पर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जहां पर आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं जितनी भी जोर से आप संजीव बता सर, सकते संजीव हैं। नमस्कार सर, सर, संजीव सर, जोरदार संजीव सर, तरीके से संजीव अगर सर, आप बताएंगे तो मुझे और मजा आएगा, और किस लेवल पर प्रेसिडेंशियल सम्मानित है वो भी मुझे बताएंगे तो मुझे और मजा आएगा। क्या क्लब डायरेक्टर, क्लब बात है, संजीव क्या बात है। सर, डॉक्टर सर, पीसीडी, एक बार और जोर से मोस्ट सभी लोग एक साथ, संजीव कुमार शर्मा सर, एक बार वेलकम जोरदार तालियां संजीव सर, जो हमारे यहाँ पर मोस्ट वेलकम है सर आपका। प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर के अहदे पर सम्मानित है। और अब उनको बुला लेते हैं क्योंकि वक्त और जाया नहीं करते, हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। तो चंद लाइनों के साथ मैं उनको बुलाऊंगा और आप सभी की तालियों के बीच में मैं उनको बुलाऊंगा कि वक्त से लड़कर जो जो अपना नसीब बदल ले, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही जो तकदीर बदल ले। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो
ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कल को बेहतरीन बनाने के लिए, आप सभी के कल को बेहतरीन बनाने के लिए आज हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। और ये 40 मिनट आपने बहुत ध्यान से सुनना है, अपना ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल, लैपटॉप या जहां पर भी आप जूम पे कनेक्टेड हैं वहीं पर लगाना है। और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर संजीव शर्मा सर का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं संजीव सर का। संजीव सर आप जहां भी हो प्लीज, आपका सभी इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया 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 सर, थैंक यू सो मच सर जी। सर आप कहाँ से शब्द निकालते हो, क्या क्या बोलते हो, आप तो ऑल ऑलराउंडर पर्सनैलिटी हो, कहते हैं ना कि ऑलराउंडर पर्सनैलिटी विराट थैंक यू कोहली, सर। तो आप शर्वाश्री के विराट कोहली हैं। और डे बाय डे जो शर्वाश्री हाइट ले रही है वो आप जैसी पर्सनैलिटियों के कारण ही ले रही है। तो सर जी सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाकी सभी दोस्तों को मेरा थैंक यू, वेलकम नमस्कार। सर। मेरी मेरी नजरों के सामने अदप्पा जी है। अदप्पा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डबल यूनिवर्स क्राउन अम्बेसडर बनने के लिए। DUCA लिखा हुआ है, मेरी नजरों के सामने है, तो सामने आया तो मैंने उनको मुबारकबाद दी। बहुत शानदार साउथ में काम चल रहा है। साथियों मैं आपका दोस्त संजीव शर्मा पंजाब पठानकोट से बिलोंग करता हूं, और आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जो आज मैं अपना कुछ आइडिया आपके सामने शेयर करूंगा, वो मेरे जीवन का सबसे खास, सबसे शानदार और जानदार आइडिया रहेगा। मेरा अपना अनुभव है इस प्रोग्राम के ऊपर जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, जैसे सरजीत सर ने बोला कि कल 26 जनवरी है और 1947 में देश आजाद हुआ था, मतलब जब देश आजाद हुआ था तो देश आजाद कभी भी गुलाम हो सकता है अगर गणतंत्रता दिवस ना हुई होती, मतलब अगर संविधान ना बना होता। आज कोई भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन करता है तो उसके लिए 1947 होता है, देश आजाद हो गया, मतलब एक क्रांति आ गई उसके घर के अंदर। पर जब तक संविधान जैसे रूल एंड रेगुलेशन ना आए, ट्रेनिंग सेशन ना आए, तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाते, आगे नहीं बन पाते। और आज का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन है वो भी इसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि आज जो मेरी डिस्कसिंग रहेगी वो गोल के ऊपर रहेगी, गोल सेटिंग के ऊपर रहेगी। क्योंकि मैं गोल सेटिंग को सीधा ही आपके सामने बात कर रहा हूं, इसका कारण क्या है। गोल सेटिंग अगर जीवन के अंदर लक्ष्य ना हो, गोल ना हो, तो हम अपनी मंजिल से कभी भी भटक सकते हैं। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत सारी ऐसी ब्रेक्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपके आपसे पहले खड़े होते हैं जो आपको रोकना चाहते हैं। और अगर आपका गोल स्ट्रोंग है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। जैसे आप जानते हो मैं बिजनेसमैन था, मेरा अपना शोरूम था, मैं 3 शोरूम को चला रहा था। और 20-22 साल मैंने 20-22 साल पहले मैंने अपने जब स्टोर को चला रहा था, तो उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो जो ग्रोथ होती है, जो उसका लेवल होता है, जो उसका पे उठाता है, जो उसके ड्रीम्स होते हैं, ये पूरे होते हैं। तो इसे हम लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं। बट मेरा इस बिजनेस के अंदर टिके रहने का सबसे मेजर पार्ट रहा गोल। क्योंकि जब मैं ज्वाइंट किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे सपनों को जगाया गया, मेरे सपनों को लिखाया गया, मेरे सपनों को विजुलाइज करवाया गया। एक ही जो परछाई है जो नेटवर्कर के साथ रहती है, वो है आपके सपनों को जगाना, आपके गोल को, आपकी उम्मीदों को, आपके भीतर के डिजायर को बाहर निकालना, यही जो है आपके साथ जर्नी करती है। और जब मैंने इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू किया, तो 7 साल जब मैं स्टोर कर रहा था, तो किसी ने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। जैसे ही मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, नेटवर्कर बना, नेटवर्किंग फील्ड में आया, तो मेरे लोग मुझे डीमोटिवेट करने शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू किया ऐसा कैसे काम चल सकता है, कोई ऐसे भी प्रोडक्ट लेकर अमीर बन सकता है, ये जो मार्केट के अंदर लोगों ने करोड़ों रुपये लगाकर शोरूम खोले हैं वो बेवकूफ हैं, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री से आदमी करोड़पति बन सकता है। आप कहते हो कि नेटवर्किंग में 95 से निकलकर 5% लोगों में आदमी जा सकता है,
आप कहते हो कि 95% लोगों के पास लाइफ है, 5% लोगों के पास लाइफ स्टाइल है। ऐसा नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है लोग सही हैं क्योंकि लोगों ने इन चीजों को नहीं देखा। और जब मुझे डिमोटिवेट करते थे तो मैं जो गोल सेटिंग की जो आज डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं इसको विजुलाइज करता था। अगर ऐसे हो गया तो जब भी मैं घर में आता था, रात को सोता था, दिन में 8 8 10 10 12 12 लोगों के साथ प्लान शेयर करता था, रात को आवाज नहीं गले से आती थी, मतलब इतनी प्लानिंग हम करते थे। तो जब लोग नेगेटिव होते थे, जुड़ते नहीं थे, डीमोटिवेट करते थे कि पहले अच्छा काम चल रहा था, अब ये कौन से काम में आ गया। तो रात को जब सोते थे तो हम विजुलाइज करते थे, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा बन गया। क्योंकि शोरूम के टाइम में, दुकान के टाइम में, सर्दियों के मौसम में हमें 7 8 बजे हमें मार्केट में मूव करना ही पड़ता है, रात को 9 10 बजे घर में आना पड़ता है, 4 दीवारी शॉप के अंदर रहना पड़ता है, टाइम फ्रीडम नहीं होता, हमें समझौता करना पड़ता है अपने सपनों के साथ, शादी फंक्शन और त्योहारों में एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। और जब मैं डीमोटिवेट होता था और ये सोचता था कि चलो वापस काम करते हैं पुराने काम में, तो पुराने काम में वही लाइफ, बंद रूम के अंदर, वही शोरूम, वही सर्दियों के मौसम में उठना, वही ना चाह के भी मतलब वो काम करना। तो फिर से मोटिवेट हो जाता था कि नहीं, एक बार ताकत लगाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक बार अगर ये चीज बन गई तो समझ लीजिए हम 5% जैसी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, गाड़ी को ले सकते हैं, बंगले को ले सकते हैं, फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हैं और दुनिया घूम सकते हैं। ये मेरे मेरा एक्चुअली मेरा इस इंडस्ट्री में टिके रहने का सबसे बड़ा कारण ये था, विजुलाइज। आज भी मैं बहुत विजुलाइज करता हूँ। मुझे आज भी पता है कि मैं इतना एक बार डीमोटिवेट हो गया कि मुझे शुरुआत में, स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था इस इंडस्ट्री में, तो मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि पहले आपको जो 2 लेग प्लान है, पहले 1 लेग को बिल्ड करो, दूसरी लेग को बाद में बिल्ड कर सकते हैं। अगर 1 लेग को बिल्ड कर सकते हो तो दूसरे को कभी भी कर सकते हो। ये स्टार्टिंग में मुझे पता चला। मैंने 2 साल पहले एक ग्रुप को बिल्ड किया। अब दूसरे ग्रुप में बिल्ड होता तो तभी पे आउट आता, तभी इंसेंटिव बनता, ऐसा पॉसिबल नहीं था। हालात इतने दिक्कत हो गए, टाइट हो गए, पर ड्रीम था अंदर कुछ करने का, कमाने का। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, बट कुछ करना था। तो एक दिन की मैं बात बताता हूं कि अगर ये गोल सेटिंग ना होता तो हो सकता कि वो दिन मेरी इस इंडस्ट्री में लास्ट डे होती। पठानकोट से मैं वापस आ रहा था अपने शहर में, तो इतना हाथ टाइट हो चुका था कि नई नई शादी हुई थी, शादी शादी के बाद चैन मिली थी, गोल्ड की चैन मिली थी, तो गोल्ड की चैन मिली तो मेरे दिमाग में आया कि गोल्ड की चैन को बेचते हैं और उससे जो 10 15 20 हजार आएगा उससे फिर हम नेटवर्किंग करते हैं। मतलब इतने पागल थे, इतने दीवाने थे इस बिजनेस को लेकर, इस फील्ड को लेकर। टीम बनानी है, टीम को बिल्ड करना है, एक समय आएगा बस परमात्मा छप्पर पार कर देगा, पर पहले छप्पर बनाना पड़ेगा। तो मैंने मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि यार हम दीनानगर नहीं सेल करेंगे, क्योंकि दीनानगर मेरा लोकल एरिया है, वहां पे हर आदमी मुझे जानता है, हम पठानकोट सेल करते हैं। पठानकोट में वो मैंने अपनी सोने की चैन, अपनी शगुन की, वो मैंने निकाल कर बेच दी। वहां से मुझे पैसा आया, कॉन्फिडेंस आया, अब मैं 2 3 महीने और काम कर सकता हूँ बिना पैसा आए भी। तो रात को मैं घर जाता हूँ, हमारी एक आदत थी कि घर घर जाने के बाद हम डिस्टर्ब नहीं करते थे। रात को 11 बजे वर्किंग से निकले, चाहे 12 बजे निकले, चाहे 10 बजे निकले, हम घर वालों को डिस्टर्ब। क्या मेरी आवाज और मेरी पिक्चर साफ दिखाई दे रही है? क्योंकि किसी ने मैसेज किया कि सर आवाज नहीं। आवाज बीच बीच में कट रही है, पिक्चर बिल्कुल साफ है ओके, अभी, ठीक है आवाज सर बिल्कुल। ठीक। तो सर जी, सर सब्जेक्ट ये हुआ, वाइफ ने, हम डिस्टर्ब नहीं करते थे वाइफ को या मदर को या सिस्टर को कि रात को 11 बजे आए हैं और खाना गर्म करके दो। हम आराम से आना, बाइक को साइड में लगाना और अपने जो टूल किट है उसको साइड में रखना, किचन में जाना, जो बना है उसको गर्म करना और किचन के अंदर बैठकर खाकर फिर हम रूम में आते थे। तो वाइफ कहती है कि खाना, मैंने हमने बोला खा लिया।
मतलब हम इस स्टाइल से काम करते थे कि घर वालों को भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो रात को वाइफ ने देखा मुझे, कहते कि आपकी चैन कहाँ गई, सोने की चैन कहाँ गई। तो मैंने कहा गले में ही तो है। कहते नहीं है। तो सर जी सर बाद में क्या हुआ, मैंने कहा ओ तेरी का, पठानकोट से रास्ते में आ रहा था, तीन चार लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो मैं उनकी लड़ाई को छुड़वाने के लिए बीच में पड़ा, हो सकता है चैन मेरी वहां गिर गई हो। कहते कभी झूठ भी बोलना पड़ता है अगर आपका जो टारगेट बड़ा हो। तो वाइफ को मैंने कॉन्फिडेंस में लिया, तो मैंने कहा कल मैं जाऊंगा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। तो 2 दिन तो मैंने टाल मटोल किया कि मैं उधर गया नहीं। तो बाद में मैंने कहा चलो गुम हो गई तो हो गई। बट ये जो मैंने एक्चुअली जो बात है ना अपनी वाइफ को तब बताया जब मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, और 1 साल के अंदर इतनी ग्रोथ होगी, इतनी ग्रोथ होगी इस बिजनेस में कि करवा चौथ का दिन था और मैंने अपनी वाइफ को आज तक मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि नेटवर्किंग में पैसा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसा जिस ढंग से आना था उस ढंग से मैं काम ही नहीं कर रहा था। सिर्फ 1 लेग को बिल्ड कर रहा था, लर्न कर रहा था और ट्रैवलिंग बहुत कर रहा था। तो लाइफ में मैंने अपनी वाइफ को 1-1.5 साल के बाद कुछ गिफ्ट दिया। पहला गिफ्ट दिया था मंगलसूत्र दिया था, तकरीबन 4 तोले का। जब मैंने मंगलसूत्र लेकर गया घर में तो उनको भी उम्मीद नहीं थी कि करवा चौथ में घर में आएंगे, क्योंकि हम जुनूनी नेटवर्कर, पागल नेटवर्कर थे। तो जब घर में जाते हैं 4 बजे और बच्चों ने बोला कि भाभी जी भैया आ गए, तो वो तैयार थी, वो मेरे पास आती है, कहते आगे मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आपने आना है। तो मैंने जेब से अपना 4 तोले का जो मंगलसूत्र था वाइफ के लिए वो मैंने निकाला, उसके हाथ में जब दिया तो जैसे उसके हाथ में दिया पहला गिफ्ट, तो वो उसकी आंखें नर्म हो गई, उसने मुझे हग किया और रोने लगी। वो खुशी के जो आंसू थे, मुझे लगा कि जो मैंने पिछले 1.5-2 साल मैंने जो तकलीफ में मैं रहा, जो नेटवर्कर को तकलीफ में रहते हैं, मतलब बिना पैसा आए बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो दिखते हैं उस छोटी सी खुशी में के खुशी के अंदर वो जीरो हो जाती है। तब मैंने अपनी वाइफ को बोला उस दिन कि वो सोने की चैन जो थी ना, जो सगुन में आई थी, वो मैंने सेल की थी इस बिजनेस के लिए। अब परमात्मा की कृपा से आज के बाद कभी लाइफ में टेंशन नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा के कारण बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। और पिछले 20 साल से मुझे जो लग रहा है कि मेरी लाइफ में पैसे की कभी दिक्कत परेशानी नहीं आई, और आज तक मैंने जो चाहा वो पाया, जो लिया मैंने लिया, और आज मैं दुनिया घूम रहा हूँ, मैं 27-28 कंट्रियों में घूम कर आया हूँ। आज लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, आज अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हैं, मेरे बच्चे बहुत शानदार कॉलेजों के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आज परिवार को मेरे पर मान है, मुझे इस बिजनेस के अंदर मान है, और मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि आज मेरे मेरी लाइफ में शर्वाश्री आई। मैं टॉपिक पे लेकर जाता हूं कि आज का जो टॉपिक है हम सीधा उस पर बात करते हैं कि टॉपिक क्या है, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि जो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक रखा ही इसलिए है, अगर ये चीज ना होती तो हो सकता है कि ये बिजनेस मेरे लिए सही ना होता। देखिए अब आपका स्वागत है शर्वाश्री के अंदर। तो आज जो डिस्कसिंग है गोल सेटिंग को लेकर, गोल सेटिंग होनी ही चाहिए। गोल सेटिंग किसकी नहीं होती, गोल सेटिंग उन लोगों की नहीं होती जो बड़ा नहीं सोचते। जैसे एक मजदूर होता है तो उस वो भी ड्रीमर होता है, उसको 500 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, और 500 रुपए की जिसको दिहाड़ी मिलती है उसका गोल यही होता है कि 500 रुपया लेकर मैं जाऊंगा, आटा और चावल लेकर, दाल लेकर अपने घर में रात को खाना बनाऊंगा, और अगले दिन मॉर्निंग में खाना चलेगा, और अगले दिन फिर मुझे मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। उसका गोल कोई बड़ा गोल नहीं होता, उसका गोल होता है डे का, जो दिन में उसने गोल किया। अब दूसरा गोल की बात करें, एक एक जो आदमी जो 30 दिन के बाद सैलरी लेता है, उसका गोल क्या होता है, उसका गोल 30 दिन का होता है, दूध का पैसा देना है, बच्चों की फीस देनी है, और EMI जो करवाई है उसकी देनी है, 30 दिन का गोल होता है। और जो पैकेज लेता है, जो पैकेज लेता है 1 साल के पैकेज पर काम करता है, 3 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है, या 5 लाख का पैकेज, वो उनका भी गोल होता है, वो पांच उनका गोल होता है 1 साल का, कि 1 साल के अंदर मेरा मेरे पास कितने कितना पैसा स्टॉक होगा, मैंने कौन सी इंश्योरेंस ली है, या मतलब जो पैकेज में काम करते हैं। और बिजनेसमैन क्या करते हैं, 5-5 साल का गोल होता है उनका, और बड़े बिजनेसमैन 10 साल का गोल, 20 साल का गोल। तो बिना गोल आदमी आगे बढ़ता ही नहीं है।
क्योंकि गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसी परिस्थिति आती हैं जब अपने साथ छोड़ देते हैं और अंधकार आता है, तो ये गोल ही हमें एक रोशनी की किरण देती है। कहते जब अंधेरा ही अंधेरी रात होती है ना, तो समझ लीजिए उजाला आने वाला होता है। तो गोल जो होता है, गोल आदमी को रोकने की सपोर्ट करता है, गोल आदमी को स्टेबल कराता है, गोल आदमी को टिके रखता है। और अगर मेरी जीवन के अंदर डे फर्स्ट से गोल ना होता, तो 100 to 10% मैं इस बिजनेस से बाहर आ चुका होता। इसलिए गोल के बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता। 2024 के अंदर जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, देखो जीवन में प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, है ना, कौन कौन लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो व्यक्तिगत या व्यवसायिक बिजनेस या संपूर्ण सफलता लेना चाहते हैं। गोल किसके होते हैं? गोल वो लेते हैं जो व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का विकास करना चाहते हैं और संपूर्ण सफलता लेना चाहते हैं, जो टाइम नहीं खराब करना चाहते, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, इक्वल अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो लोग अपना गोल डिसाइड करते हैं। बिना गोल आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता। हम असफल होने की योजना बनाते हैं, हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। सो दैट आज आज जो टॉपिक है, आज है वाई सेट गोल, गोल्स को सेट क्यों करना है जीवन में अधिक सफलता हासिल करने के लिए। देखिए गोल को क्यों सेट करना है जीवन में अधिक सफलता को हासिल करने के लिए, इसलिए हमें गोल को करना है। अनुशासित डिसिप्लिन में रहने के लिए गोल, क्योंकि वो बंदा कभी भी जो जिसका गोल होता है ना, वो सीरियस होता है अपने टारगेट को लेकर, वो टारगेट से बाहर नहीं सोता। आत्मविश्वास बढ़ने के लिए गोल, आत्मविश्वास होता है ना कि आत्मविश्वास बढ़ता है गोल के लिए, जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, इसलिए गोल का होना बहुत जरूरी है। हर आदमी परफॉर्मेंस करना चाहता है, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, गोल तो होना ही चाहिए, बिना गोल बिजनेस चलता ही नहीं है। मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे ही आदमी जुड़ता है, पहला काम उसका लिस्ट क्वेश्चन क्लियर करके उसका गोल सेटिंग करना चाहिए, उसका ड्रीम उठाना चाहिए। इससे क्या क्या होगा? गोल जो होता है स्मार्ट लक्ष्य बनाता है। गोल को बनाने के लिए गोल कैसे, देखिए जब भी हमने गोल बनाना है ना, स्पेसिफाइड गोल बनाइए, मतलब साफ सुथरा गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक जो गोल होता है ना, साफ सुथरा क्लियर कट, उलझने वाला गोल नहीं होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्लियर कट। मुझे कई बार हम जब गोल डिजाइन करते हैं, हम वो गोल डिजाइन करते हैं जो हो सकता है 5 साल के बाद मिलने वाला हो या 8 साल के बाद मिलने वाला हो। हम ऐसा गोल डिसाइड कर लेते हैं कि जो तुरंत आने वाले गोल होते हैं, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, हम उसका टारगेट लिखते नहीं है और हम टारगेट वो लिख जाते हैं जो 5 साल के बाद। और 5 साल जब वो गोल नहीं आता तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मापदोल वाला होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मापदोल वाला होना चाहिए। कि अब गोल जब डिसाइड करना, वो हुआ नहीं एक कि कस्टमर केयर का कॉल आता है और कस्टमर केयर के कॉल में आने के बाद वो कहते हैं कि हम लोन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपको लोन चाहिए? तो उधर से लड़का बोलता है, जी मैम हमें लोन चाहिए। आप लोन में क्या लेना चाहते हैं? कहते मैं लोन में ट्रेन लेना चाहता हूँ। तो जो जॉब करने वाली है जो बोले, सर आप क्या लेना चाहते हैं लोन में? कहते मैम मैं ट्रेन लेना चाहता हूँ लोन में। ट्रेन? कहते हाँ मैम मैं ट्रेन लेना चाहता हूँ। पहले कभी लोन लिया? हाँ मैंने लिया पहले लोन। किस चीज का? मैंने साइकिल का लोन लिया था। तो हम जब कोई ऐसी चीज होती है तो हमें यही नहीं पता कि हमारे जो मापतोल होना चाहिए, जो जो हमारा ड्रीम होता है अचीवेबल हो, जो अचीवेबल होने चाहिए, ऐसा ना कि ना होना वाला। मतलब कि अगर आज मैं स्टार्ट करूंगा, आज टुडे इज माय फर्स्ट डे नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं आज शुरू करता हूं और मेरा लक्ष्य होगा कि मैं भाई वर्ल्ड टूर घूमूंगा, वर्ल्ड घूमूंगा, तो ये वर्ल्ड घूमने का टारगेट मेरा 5 साल के बाद होगा, 7 साल के बाद होगा। पहले मैं अपने आसपास के स्टेट्स तो घूमू, मैं अपने आसपास के एरिया में तो घूमू, पहले मैं अपने आसपास के कंट्रियों में तो जाऊं, पहले
पहले मुझे यूरोप में तो जाने की परमिशन मिले, मैं अमेरिका कैसे जा पाऊंगा? ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इजी प्रोसेस, कौन न्यूजीलैंड जा सकता है? आप कनेडा नहीं जा सकते, तो पहले आप एशियन कंट्री तो घूमे, अचीवेबल होना चाहिए, देन उसके बाद होना चाहिए। और मतलब लक्ष्य जो है बिल्कुल संगठन के लिए, उद्देश्य के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब कि जिसमें कि सबको दिखे। तो लक्ष्य अगर ऐसा हो, स्पेसिफिक हो, माप तोल वाला हो, अचीवेबल हो, तो लक्ष्य जो है लिखने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जी कि मैं इसको ले सकता हूं। तो टाइम बाउंड वाला होना चाहिए लक्ष्य, टाइम बाउंड में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि लिख दिया राम चाहे लीला चाहे, मतलब जो जो लिखा है उसको पूरा भी करना है। कितने टाइम में, कैसे होगा, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे होगा। प्रायोरिटीज गोल, मतलब एक प्रायोरिटी वाइज गोल होते हैं, प्रायोरिटी वाइज गोल लिखने हैं। कैसे प्रायोरिटी वाइज गोल कैसे लिखने हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अर्जेंट वेज कौन से गोल होने चाहिए। मतलब गोल जैसे मैं कई बार कहता हूं कि गोल हमेशा जो है गोल को ना, मतलब जो ड्रीम्स है, जो गोल है उसको उसको उसके उसके ना उसके छोटी छोटी पीस करो, 50 पीस करो, कम से कम 50 पीस करो, और पहले 20 पीस उसके करो जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, पहले वो गोल लिखिए, फिर अगले 20 जो सपने हैं, गोल जो है, जो हमारे ड्रीम्स है वो लिखिए, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और लास्ट में जो 10 गोल है, जो 10 गोल है 50 के अंदर, जो 10 है उसके अंदर गाड़ी लिखिए, उसके अंदर बैंक बैलेंस बनाइए, उसके अंदर प्रॉपर्टी लिखिए, उसके अंदर वर्ल्ड टूर लिखिए। पहले जो 20 गोल है उसके अंदर वो लिखिए जो इमीडिएटली आपके घर में चाहिए। जैसे कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी मेरा गोल क्या, मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं जो जो घर के अंदर, जैसे कि मैंने एक पेंट कोट लेना है, ड्रेस कोट लेना है, जैसे मेरा टारगेट है टूल किट्स लेनी है, जैसे कि मैं घर के जो बेसिक खर्चे हैं, जैसे कि बिजली का बिल हो गया, दूध का बिल हो गया, सब्जी का बिल हो गया, बच्चों की फीस होगी, ये छोटे छोटे होते हैं जो मतलब पूरे करने वाले होते हैं, जो जिसके कारण घर के अंदर एक दूसरे की लोग पॉकेट की तरफ देखते हैं। इससे ऊपर होते हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ की दवाई, पापा की दवाई, दादाजी की दवाई, नाना जी की दवाई, मतलब नाना जी की भी दवाई आप हेल्प कर सकते हैं, नानी जी भी कर सकते हैं। मतलब ससुराल में अगर अगर मेरे मेरे मदर फादर है तो मेरे ससुराल में भी मदर फादर है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है। उसके बाद सपने आते हैं कि जब ये छोटी छोटी चीजें आ गई, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, रिश्तेदारों की आ गई, शादी फंक्शंस की आ गई, बच्चों की फीस आ गई, बच्चे कंफर्टेबल है घर के अंदर, अब टारगेट आता है कि मैं 4 व्हीलर लेना चाहता हूँ। कौन सा 4 व्हीलर ले लूं, पहले छोटे वाला लूं, देन उसके बाद बड़े वाला लूं। मैं घर बनाना चाहता हूँ, उसको रिपेयरिंग करनी है, या मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ, प्लॉट कहाँ लेना चाहता हूँ, उसके ऊपर कैसा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता हूँ, मैं कौन सी कंट्री घूमना चाहता हूँ, मेरा पासपोर्ट कब बनेगा पासपोर्ट, मैं दुनिया में मतलब ये सपनों को जो है अर्जेंट बेस में लिखेंगे। लक्ष्य को लिखना पड़ेगा, लिखे लक्ष्य को लिखे, राइट डाउन द गोल। अगर बिना अगर आपने एक दिन कागज पर लिख दिया, वर्कआउट कर लिया, तो उसको प्रैक्टिकल शेप देना है। प्रैक्टिकल शेप कैसे देना है, आपने लक्ष्य को स्पष्ट और लिखित रूप में रखें, स्पष्ट और लिखित रूप में रखें। क्यों क्यों लिखित रूप में रखना है, देखो नीचे लिखा हुआ है, सुबह शाम आपको नजर देखे और सोचे कि आप उसे पूरा कर लिया है, जो जो आपका आपका जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका ड्रीम है, उसको उसको प्रैक्टिकल उसको दीवार में चिपकाइए, जो आपका गोल है दीवार में चिपकाइए। दीवार में चिपकाने से क्या होगा, देखिए मैं ना आज एक वीडियो वीडियो देख रहा था, एक रील आती है, जोगी जी की रील आती है, जोगी जी ने आज से 12-15 साल पहले लोकसभा के ऊपर एक लेक्चर दे रहे थे, तो वहां पे कुछ अलग नेता थे जो उनके एंटी थे, वो सारे के सारे लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि दैट पर्सन इज सिंगल पर्सन जिसने ड्रेस कोड जो है भगवा डाला हुआ था, बाकी सबका ड्रेस कोड अपने अपने कल्चर के हिसाब से था, तो लोग हंस रहे थे कि इस ड्रेस कोड में तू देश को क्या कर सकता है, तू घंटी बजा सकता है, तू मंदिर में जा। बट उस आदमी का टारगेट देखो, आप जब जब लोग आपको टारगेट करते हैं, जो जब लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, जब लोग आपको ताने मारते हैं, जब लोग आपको कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता,
जहां तो हम छोड़कर चले जाते हैं, जहां हम कमिटेड हो जाते हैं कि तुझे करके दिखाएंगे, चैलेंज ले लेते हैं, कमिटमेंट ले लेते हैं, टेंशन नहीं है तुझे करके दिखाएंगे। जब मैंने अपना गोल लिखा, दीवार के साथ चिपका दिया, जब दीवार के साथ मेरे घर के अंदर चिपका हुआ गोल, आज तक दुनिया के किसी के घर के अंदर गोल चिपका हुआ दीवार में किसी ने नहीं देखा। जब मैंने अपने घर में दीवाया लगाया, पहले मेरी वाइफ उस गोल को देखेगी, फिर मेरे को देखेगी, फिर हंसेगी, फिर बोलेगी ये क्या लिखा है। बच्चे आएंगे, वो देखेंगे, पापा पापा ये क्या लिखा है। मम्मी पापा आएंगे, वो देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है। पहले तो मेरे घर वालों का, पहले तो मैं अपने घर वालों को उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि मैंने वो सपने लिखे हैं जो अगले 5 साल के अंदर मैं लेने वाला हूं, और आप लोगों के साथ मेरा बहुत प्यार है, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है, पर आज तक मैंने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब जिस प्लेटफॉर्म में आया हूं, जिस बिजनेस में आया हूं, जिस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं, इसके अंदर लोग सपने पूरे करते हैं, लोगों ने ये सपने पूरे किए, मैंने ट्रेनिंग ली, मुझे पता चला कि सपने लिखने होते हैं। लोग कहते हैं सपने लिखने की जरूरत नहीं है, जब पैसा होगा तो तब हम सपने को लेंगे, लिखेंगे, जब पैसा होगा तो तब तो लेना है ना, तो सपनों को पहले लिखना ही होता है, क्योंकि जो हम लिखेंगे दीवार के साथ चिपकाएंगे तो ब्रह्मांड भी हमें विजुलाइज कर रहा है। कहते जब किसी चीज की शिद्दत से आप चाहत करते हो तो पूरी कायनात, पूरी परमात्मा, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा उस चीज को आप तक पहुंचाने में हेल्प करती है। बस हमें टिके रहना है, लगे रहना है, अगर टिके रहेंगे, लगे रहेंगे तो वो चीज आप तक पहुंच जाएगी, अगर नहीं टिकेंगे, नहीं लगे रहेंगे और छोड़ देंगे तो वो जो चीज ब्रह्मांड से आ रही थी वो वापस चली जाएगी, वो किसी ना किसी के और के अकाउंट में चली जाएगी। तो जब हम दीवार में चिपकाएंगे तो अपने, हमारे परिवार के लोग, मेरे बच्चे लोग का मैं फेस चेक करूंगा, उनको मैं जवाब दूंगा, चैलेंज घर से लेंगे, क्योंकि जिस दिन मैंने काम नहीं किया, जिस दिन मैंने काम नहीं किया, मैं डेली देखो सुबह और शाम को अपने गोल को देखना है, क्योंकि आपका बॉस आपका गोल है, आपका सपना, आपका गोल आपको बोलेगा तूने आज मेरे लिए क्या किया। क्योंकि अगर कोई आदमी फुल टाइम नेटवर्किंग कर रहा है तो उसको डेली 7 से 8 लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे माइंडसेट काउंसलिंग हो, चाहे प्रोडक्ट देनी हो, चाहे प्रोडक्ट की नॉलेज देनी हो, व्हाटएवर कुछ भी करना हो, तो दिन में 7-8 लोगों के साथ सीटिंग होनी चाहिए, चाहे होम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे 1v1 हो, किसी भी तरह से। और अगर पार्ट टाइम करता है तो डेली 2 से लेकर 3 लोगों को मिलना चाहिए एवरी डे, क्योंकि जो करंट में जो पार्ट टाइम करते हैं, जो करंट में कोई काम करते हैं, वो आदमी अपने प्रेजेंस के लिए करते हैं, जो नेटवर्किंग करते हैं वो कल के लिए करते हैं। और जिस दिन आपने काम नहीं किया, सुबह शाम आपको जरूर देखें, सुबह शाम जब आप देखेंगे तो आपका सपना बोलेगा, आपके बच्चों की फीस, आपका दूध का खर्चा, आपकी सब्जी का फीस, आपकी मम्मी की दवाई, ये बोलेगी कि आज तूने मेरे लिए क्या किया। इसलिए सपना लिखो और सपने को दीवार के साथ चिपकाओ और शेयर करो, सपनों को शेयर करना होता है कि देखो मैं, देखिए ऐसा होता है अपने गली मोहल्ले के, अपने रिश्तेदारों के, क्योंकि जब रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, तो हम बोलते हैं मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बीच में काम कर रहा हूं जिसके बारे में आम लोगों को पता ही नहीं है। जब आम लोगों को पता चलेंगे तो लोग बोलेंगे कि मुझे क्यों नहीं बताया, लोगों से शेयरिंग करनी, आप कर क्या रहे हो, इसमें क्या मिलेगा, मैं इसमें अपने सपने पूरे करूंगा, मैं अपनी बाइक लूंगा, मैं अपना घर लूंगा, मैं अपना प्लॉट लूंगा, मैं अपना बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं अपनी छोटी सिस्टर की मैरिज करूंगा, मैं गाड़ी भी लूंगा। तो शेयर करना है, चाहे आपकी टीम बैठी हो, चाहे आपका परिवार बैठा हो, चाहे आप रिश्तेदार बैठे हो, इवन कि अगर आप किसी को 1v1 प्लान कर रहे हो, इवन कि अब होम मीटिंग लगा रहे हो, तो होम मीटिंग के अंदर भी आप ये कह सकते हो मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया था अपना 4-व्हीलर लेने के लिए, जहां मैं अपने घर को बाय करने के लिए, जहां अपनी छोटी सिस्टर की शादी करनी है, और छोटी सिस्टर की शादी के लिए मुझे 12 से 15 लाख चाहिए या 15 से 18 लाख चाहिए, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे 15 से 18 लाख देगा और अगले 1.5 साल के अंदर मैं कमाऊंगा और अपनी सिस्टर की शादी करूंगा। क्योंकि कोई भी आदमी अगर इस इंडस्ट्री में आता है ना, वो कहीं ना कहीं सपनों से प्रभावित होकर, क्योंकि उसके भी सपने आप जैसे ही हैं। मान लीजिए कोई एक्स बंदा
एक्स पर्सन, जैसे रेशमा मैम की नाम मेरे सामने आ रहा है, रेशमा मैम का, जैसे मान लीजिए मैं रेशमा मैम के साथ बैठा हूं, तो मैं उनको बोलूंगा कि मैम, अब मैं बोलूंगा कि रेशमा मैम आपके सपने क्या है, तो रेशमा मैम को अपने सपनों का पता नहीं, क्योंकि ये मार्केट के अंदर ट्रेडिशनली कोई अलग काम करते हैं। तो रेशमा मैम को मैं अपने सपने बताऊंगा, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था, मैं इस बिजनेस में इसलिए ज्वाइन किया था, मैं हैंड टू माउथ नहीं लेना चाहता, मैं 95% लोगों की तरह लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं 95% से 5% में आना चाहता हूँ। रेशमा मैम, मैं इस बिजनेस में मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे एक अच्छी बाइक चाहिए, मैं अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है मेरा अपना होटल होना चाहिए, या मेरा ड्रीम है मेरे बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाएं, या मैं अपनी सिस्टर की शादी करना चाहता हूँ, या मेरे घर में ये जिम्मेदारी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। क्या रेशमा मैम आपके भी ऐसे ही सपने हैं? तो वो जो सुनने वाला है वो बोलेगा हाँ मेरे भी ऐसे सपने हैं। तो उसके सपनों को पूछने की बजाय अपने सपने शेयर करें, गोल को शेयर करें। अगर करेंगे तो उसके अनसोई हुई चेतना जागनी शुरू हो जाएगी, उसकी एनर्जी उठनी शुरू हो जाएगी, उसको लगेगा कि यार ये प्लेटफॉर्म है, इसमें काम करना है, करना क्या है, बातें ही तो करनी है, लोगों की दुकान ही तो चेंज करवानी है। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस जो है बढ़ना शुरू होगा। सही लक्ष्य बनाए, टारगेट सही सेट करें, क्लीन होना चाहिए, सही लक्ष्य होना चाहिए, डिस्टर्बिंग वाला नहीं होना चाहिए, इससे उद्देश्य की भावना बढ़ती है, समर्थन की भावना बढ़ती है, लक्ष्य क्लियर एंड गोल राइट होना चाहिए। साथियों, पर्सनल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, सेट पर्सनल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत जरूरत है। मैं इस लाइन से बहुत प्रभावित हूं। सेट करिए पर्सनल डेवलपमेंट गोल, मैंने अपने डेवलपमेंट करने के लिए मेरा ये टारगेट। अब मेरी डेवलपमेंट कहां कैसे होगी, मेरे पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो मेरा गोल ये है कुछ भी हो, रात को 8 से लेकर 9 बजे जब भी जूम मीटिंग होती है SHPL की, लिंक मेरा सीनियर भेजे या ना भेजे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आए या ना आए, 8 बजे से लेकर 9 बजे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, कॉस्मेटिक की होती है, एग्रीकल्चर की होती है, बेबी केयर की होती है, हेल्थ के प्रोडक्टों की होती है, कभी गोपाल सर आते हैं वो कंपनी का विजन बताते हैं, कभी स्टैन सर आते हैं वो मैनेजमेंट का विजन बताते हैं, कभी नेटवर्कर आता है वो अपनी सेल्फ स्टोरी बनाता है। मतलब अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी गोल सेट करो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टूल किट आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक टूल के अंदर 2 तरीके के प्रोडक्ट होने चाहिए, एक आपके पास व्हाइट पेज होनी चाहिए, पंपलेट होनी चाहिए, कंपनी की प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए, और साथ में 8 से 10 प्रोडक्ट होने चाहिए जिसको आप प्लान करते हो, लास्ट में उसको प्रोडक्ट दिखाकर उसको आपने इन्वॉल्व करना है। तो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के भी, जब आपको पता है कोई RTP होती है, कोई BBS होता है, कोई वन डे की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर फीस होती है, 50 रुपया टिकट, 100 रुपया टिकट या 500 रुपया टिकट, उस पर खर्चा करना होता है, कभी 3 दिन का प्रोग्राम होता है, कभी गोवा के अंदर होता है, कभी कलकत्ता के अंदर, जहां आपको लगता है उस पर भी खर्च करना है, ये भी गोल का एक पार्ट है। पर्सनल कोच से क्या होता है, विकास होता है, कैरियर के अंदर आदमी का कॉन्फिडेंस आता है जब आपने पर्सनल के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, अच्छा होस्ट बनेंगे, अच्छा स्पीकर बनेंगे, अच्छा मोटिवेटर बनेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है स्ट्रोंग होगा। लोग अपने ऊपर खर्चा ही नहीं करते, विजुलाइज कीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, मैं इस बिजनेस में जिंदा कैसे रहा, इस बिजनेस में मैं छोड़कर निकल जाता अगर मैं विजुलाइज नहीं करता कामयाबी के लिए। होता है ना, जो आदमी कोई आदमी कोई टारगेट, जैसे कि जितने भी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट जब काम करते हैं ना, बार 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 वो प्रयोग करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, तो उसका पता प्रयोग ये सक्सेस नहीं होता, पर वो विजुलाइज करते हैं। अगर बल्ब में रोशनी हो गई तो ऑडिशन ने कितनी बार, 9999 बार वो लोग बोलते हैं कि फेल हो गया, बट बार बार क्यों प्रैक्टिस करता, विजुलाइज करता था, मतलब कि अगर कल्पना, कल्पने में चले जाना। ऐसे ही जब आप नेटवर्किंग में हो, प्लान कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, टीम बना रहे हो, कंसिस्टेंसी करवा रहे हो, रिक्रूटमेंट करवा रहे हो, जो भी व्हाटएवर कर रहे हो, और दिन के अंदर हर आदमी को नेगेटिव और पॉजिटिव का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे गोलगप्पे वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे कोई भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर आदमी को 2 चीजों का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। ये लाइफ का एक पार्ट है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हर आदमी को नेगेटिव और पॉजिटिव का सामना करना पड़ता है।
हस्बैंड और वाइफ जो सारी उम्र इकट्ठे रहते हैं, उनकी भी आपस में गर्मी और मिठास चलती है। जीवन के अंदर अगर आप अपनी लाइफ बड़ी प्यारी लेना चाहते हैं, तो आप ये सच सोचिए कि मेरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं आनी होगी, नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, तभी जीवन में इंजॉय करने का फायदा है। और नेटवर्कर को पहले ही दिन से हम कहते हैं कि पहले 20, 25, 30, 40 लोगों आप नेगेटिव होइए, लोग आपको मना करेंगे। अगर कोई जुड़ जाता है तो ये आप गॉड, ये आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो 10, 15, 20, 25 लोगों को आपने जोड़ना ही नहीं है, उस पर प्रैक्टिस करना है। लोग कहेंगे काम नहीं चलता, ऐसे मैंने बहुत सारी कंपनी करके छोड़ चुका हूं, ऐसे भी कोई काम जब होता है, ऐसे काम जब नहीं होता, ये बाय वन गेट वन कंपनी कैसे देती है, कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा, इतना पे आउट कंपनी कैसे देगी, ये ऐसा नहीं होता। तो लोगों ने हमें नेगेटिव करना है, लोगों ने अपनी नेगेटिविटी बेचनी है और हमने पॉजिटिविटी बेचनी है। तो जब हम नेगेटिव होकर दिन में घर में आएंगे, तो विजुलाइज कीजिए कि आज ये हुआ, कल मेरी टीम बनेगी, 10 की टीम होगी, 20 की टीम होगी, 50 की टीम होगी, 50 की 100 लोगों की टीम होगी, 200 की होगी, लोग कंसिस्टेंसी करेंगे, रिक्रूटमेंट होगी, ऑफर, जैसे आज ऑफर चल रहा है, मेरी टीम ने मुझे बोला कि सर एक तो आपकी ट्रेनिंग है, दूसरी तरफ ऑफर चल रहा है, क्लोजिंग चल रही है, तो मतलब कि पहले इनका चल नहीं रहा था, आज इनका बिजनेस चल रहा है। विजुलाइज कीजिए अगले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब बिना काम किए आपके नीचे 2-2 लाख का बीबी, 5-5 लाख का, 10-10 लाख का, 20-20 लाख का, 25-25 लाख बीबी बनेगा, तो आपका इंसेंटिव 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख होगा। सोचो उस समय लाइफ कैसी होगी, सोचो लाइफस्टाइल कैसे होगा, इसको विजुलाइज कीजिए। अगले दिन फिर पूरे उत्साह से आप एनर्जी लेकर मार्केट में काम करेंगे, क्योंकि साइंटिस्टों ने ऐसा ही किया है, जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, ना के साइंटिस्ट है, दुनिया के अंदर जितने भी 5% लोग हैं वो विजुलाइज करते हैं अपनी कामयाबी को कि कल वो कैसे होगा। इसलिए हम भी वो काम कर रहे हैं जिसमें कि 95 से निकलकर हम 5 में जा सकते हैं, इसको अपना एक पार्ट बनाइए, इसके बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। विजुलाइज करना ही, इससे क्या होता है, इससे हमारी प्रेरणा बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। अपने सेलिब्रेशन कीजिए, अगर आप डायमंड बने, एग्जीक्यूटिव बने, जो भी आप बनते हैं, जो भी आपका लेवल होता है, उसको सेलिब्रेट कीजिए। किसी के घर में 5-10 लोगों को इकट्ठा कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, चाय समोसे की पार्टी दीजिए, चाय समोसे की जब पार्टी आएगी और 10 मिनट खड़े होकर, 20 मिनट खड़े होकर आप बोलिए, जब मैंने ज्वाइन करना था तो मुझे लगता था ये पता नहीं क्या बिजनेस है, जब मैंने प्रोडक्ट यूज किए तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट कैसे होंगे, आज मुझे प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है, आज मुझे शर्माश्री पर कॉन्फिडेंस है, आज मेरा पे आउट आ रहा है, दोस्तों हम मिलकर डायमंड बनाएंगे, आप लोगों को भी मैं डायमंड बनाऊंगा, ये क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और चाय समोसा खाने के लिए जो आपके गांव, आपके आसपास के लोग आए होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल आए होंगे या रिश्तेदारों को बुलाया होगा, तो वो आपको जब खड़े होकर आप बोलेंगे तो वो लोग आपकी आंखों के अंदर एक चमक देखेंगे, यार इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ते हैं, लोग माहौल के साथ जुड़ते हैं। तो सेलिब्रेट करिए अचीवमेंट्स का, सेलिब्रेट कीजिए, ये नहीं है कि 3,000 आया इसका सेलिब्रेट क्या करना है, 3,000 आता है ना उसके ऊपर 200 रुपए के समोसे ले आइए, ठीक है ना, जब एग्जीक्यूटिव बनेंगे फिर आप समोसे खिलवाइए, एग्जीक्यूटिव अब मेरा रैंक चेंज हो गया, जब आप रॉयल बनेंगे फिर लोगों को समोसे खिलवाइए, समोसे खिला खिला कर उनको पगला दीजिए, मतलब समोसे भी खिलवाइए, मिठाई भी खिलवाइए। तो सेलिब्रेशन करिए, अचीवमेंट्स कराइए, मीटिंगों के अंदर, ट्रेनिंगों के अंदर, होम मीटिंग में, होम ट्रेनिंग के अंदर, छोटे छोटे फंक्शन के अंदर, इससे क्या कि सफलता का एक जश्न होता है। और नीचे वाले भी कहते हैं जब मैं होऊंगा काम, जब हम लोग आज से ग्राउंड में बाइक पर मैं काम करता था ना, हम हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई बहाना चाहते थे, बर्थडे आ गया चलो सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी आ गया चलो सेलिब्रेशन, किसी का चेक आया चलो सेलिब्रेशन, दिन में काम, मतलब ये चीजों से, जश्न से बिजनेस निकलता है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपकी जो है बिजनेस आपका निकलेगा। जिम्मेदारी मतलब कौन सी जिम्मेदारी लेनी है, आपको ट्रैक पर बने रहने की जिम्मेदारी है, क्या आपकी टीम में प्लान हो रहे हैं, आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो रही है, ये सारी चीजें गोल सेटिंग के अंदर होती है। स्टे कमिटेड, तभी आप कमिटेड हो पाएंगे, नहीं तो आदमी कमिटेड नहीं हो पाता, इन चीजों से आदमी कमिटेड होता है। देखिए एक आदमी दुकान में क्यों कमिटेड होता है, क्योंकि जब वो दुकान खोलता है, शोरूम खोलता है, 50 लाख रुपया लगाकर, और उसके दुकान के अंदर कोई ग्राहक नहीं आता, तो उदास होकर, निराश होकर जब घर आता है ना, तो उसका पापा कहता है डोंट वरी बेटा,
पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी कहते हैं कि पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी और तीसरे साल खट्टी। मतलब पहले साल कोई प्रॉफिट नहीं होता, माइनस में होता है, दूसरे साल इक्वल होता है, तीसरे साल प्रॉफिट होता है। बिजनेसमैन तीसरे साल प्रॉफिट होता है तो उसकी माँ भी, उसका बाप भी, उसका दादा भी, उसकी दादी भी, इवन की उसकी वाइफ भी कहती है डोंट वरी, शोरूम के अंदर मैं अपनी फ्रेंड्स भेजूंगी। दादी कहती है मैं अपने लोगों को भेजूंगी कपड़ा दिखाने के लिए। तो घर वाले, रिश्तेदार, गली मोहल्ला उसको कमिटेड करते हैं कि बेटा बंद मत करना। अंदर से टूटा होता है कि शोरूम का खर्चा नहीं पूरा होता, जो लड़के लड़कियां रखी हैं उनका खर्चा पूरा नहीं होता, तो लाइबिलिटी बढ़ती है। 50 लाख जहां से पकड़ा है उसको भी रिटर्न करना है, पर घर वाले कमिटेड करते हैं। आपको कौन कमिटेड करेगा भाई जी? घर वाले करेंगे, रिश्तेदार करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये काम किया ही नहीं है, उनको तो नेटवर्किंग का पता ही नहीं है। शोरूम खोल दीजिए 50 लाख लगा के, आप आज ही, कल खोल दीजिए, सब लोग कमिटेड करने के लिए आ जाएंगे, पर इस बिजनेस के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। यू आर द फर्स्ट पर्सन, तो हमें कौन कमिटेड करेगा? हमें कमिटेड करेगा जो हमारा गोल लिखा हुआ है, जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, जो हमने दीवार के अंदर चिपकाया हुआ है, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम लोगों को पार्टी दे रहे हैं। इन एक्टिविटी से हम कमिटेड होंगे कि अगर वो आदमी 2 लाख कमा सकता है, वो 4 लाख कमा सकता है, वो 10 लाख कमा सकता है, वो लड़का लड़की आगे बढ़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता। ऐसी ऐसे आदमी का बिजनेस निकलता है, अक्सर निकलता है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चलता हूं क्योंकि मेरा ध्यान अब मोबाइल में आ गया। देखो, लर्न फ्रॉम, मतलब फेलियर से भी सीखिए कि ऐसा मैंने क्या किया था जिससे मेरी टीम खराब होगी, ऐसे मैंने क्या किया था कि एक परिवार जुड़ सकता था, तो मैंने उनके घर में ऐसी कौन सी बातें की जिससे वो आदमी नहीं जुड़े, जुड़े। वैसे तो वो पॉजिटिव थे, ड्रीमर थे, मेरे साथ क्यों नहीं जुड़े? हो सकता मेरा ड्रेस कोड नहीं सही था, हो सकता कि मैंने शेव नहीं की थी, हो सकता मैंने जर्दा मुंह में डाला था, हो सकता मैंने सिगरेट पीकर गया था, हो सकता मैंने ईगो टच कर दी, हो सकता है उनकी बहन बैठी थी, माँ बैठी थी, उनको मैंने दीदी नहीं बोला होगा। मतलब अपने फेलियर से कि मेरी टीम बनी थी, आज वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की सर्विस नहीं दी, मैंने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी असफलताओं से सीखिए कि कैसे मैंने हुआ। लर्न फ्रॉम फेलियर से, अपनी असफलता से सीखिए जिससे कि आप बार बार गलती है। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम के पंचुअल लीजिए, टाइम के पंचुअल लेने से आपकी टीम आपकी कदर करेगी, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे आपने किसी को वन बाय वन प्लान का टाइम दिया हो, होम प्लान का टाइम दिया हो। टाइम से पहले जाइए और टाइम से पहले उसको खत्म भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को 11 बजे का टाइम दिया होम मीटिंग का, और उसने होम मीटिंग का टाइम 11 बजे लोगों को बुला दिया, और मैं पहुंच रहा हूं 12 बजे, 1 घंटा, लोग परेशान हो जाएंगे 1 घंटा होम मीटिंग के अंदर वेट करते करते। और अगर मैं 12 बजे पहुंचा तो उसको मैं अगर 15-20-25 मिनट के अंदर वो होम मीटिंग को खत्म नहीं किया, 1-1.5 घंटा चला गया लेकर, अपनी सेल्फ स्टोरी, अपनी कहानियां सुनानी दी, जो एग्जैक्टली जो प्रोसेस था हमने उस पर ना बात करते हुए इधर उधर की बातें करनी शुरू होगी। तो हम टाइम के अंदर मैनेजमेंट में है ही नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट में आइए, तो इससे बिजनेस की ग्रोथ होगी। लगातार सीखते रहिए, कंटिन्यूस सीखना है, किसी से भी सीखना है, बच्चा हो, सीनियर लीडर हो, पैलर हो, कंपनी का कोई भी पर्सन है, उसको सीखना है। बिना सीखे हम कामयाब नहीं हो सकते। एक एक विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड, वो जो मैंने कहा दीवार के साथ चिपकाइए, दैट इज दिस पार्ट। एक विजन बोर्ड बनाइए, आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है ना, किस विजन बोर्ड को मैं विजुलाइज करता था। 5 साल के बाद जब मेरा घर बना तो मैंने देखा मेरे बच्चे ने एक बोर्ड लिया, लेकर आए, तो मैंने जब उस बोर्ड को देखा तो वो मेरा विजन बोर्ड था, और एज इट सेम मेरा घर वैसा का वैसा बना है जो मैं विजुलाइज करता था, और मेरे विजन बोर्ड के अंदर मैंने ड्राइंग डाली थी। कितना बड़ा काम करता है। तो आप जो आप सपने लिख रहे हो या गोल है उसको दीवार के साथ चिपकाइए, उसको विजुलाइज कीजिए, और वो आप देखिएगा ऐसा ही एज इट होता है। फोटो और शब्दों के साथ एक विजन बोर्ड बनाए जो आपके लक्ष्य और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है। आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं एक प्रमुख स्थान पर रखें, मतलब एक स्थान पर लिखना है, उसको विजुलाइज करना है। ये पूरी की पूरी जो है ना पीपीटी, ये बड़ी मंथन करके पीपीटी बनी हुई है, ऐसे पीपीटी नहीं बनी हुई। समय सीमा डिसाइड कीजिए, डेडलाइन, जो भी टारगेट लेना डेडलाइन सेट कीजिए। विदाउट डेडलाइन आप अगर नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे मैंने कौन सा किसी को जवाबदाई देना है,
नौकरी में जवाबदेही देना होता है तब जाकर सुबह ऑफिस में आता है, शाम को वो काम करके बॉस को देखकर फिर घर जाता है। क्यों? क्योंकि बॉस ने सैलरी देनी है। अगर वो शाम को रिपोर्ट नहीं देकर जाएगा तो अगले दिन बॉस की डांट लेगा, और डांट से बचने के लिए उसकी डेडलाइन है कि शाम को मैंने इसको रिपोर्टिंग देनी है। तो आप डेडलाइन लिखिए कि मुझे ये टारगेट कितने टाइम से लेना है। वो आपको विजुलाइज करेगा कि आपने ये पूरा किया कि नहीं किया। फाइंड योर व्हाई। व्हाई व्हाई होगा तो सब कुछ हो जाएगा। व्हाई होगा तो सब कुछ हो जाएगा। आपका वाई क्लियर होगा तो गोल उतना ही स्ट्रोंग होगा। वाई अगर आपका क्लियर होगा तो आप उतने ही ईमानदारी होनेस्टी के साथ ये बिजनेस को करेंगे, उन कारणों को ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करिए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसके ऊपर मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर कोई गलती हो रही है तो अपने सीनियर के साथ बात करिए, अपने जूनियर के साथ, अपने आइडियल अपलाइन के साथ बात करिए। वो आपका ट्रैक योर प्रोग्रेसिंग, आपका प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट देखेगा सिस्टम के अंदर। क्या आप सिस्टम अंदर काम कर रहे हैं तो आपको आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा, आपका सिस्टम बढ़ता जाएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट में लॉन्ग टर्म विजन रखिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ये इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री है ही नहीं है। अगर ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करना चाहते हो तो कम से कम 3 से लेकर 5 साल का रूप लेकर चलिए। 3 से लेकर 5 साल एक ही कंपनी के अंदर, एक ही एजुकेशन सिस्टम के अंदर रहकर काम करिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जब लगातार बने रहते हैं, लगातार करते रहते हो तो आपकी ए और बी टाइम भी काम करती है। और मैंने किसी भी एक व्यक्ति को फेलियर होते हुए नहीं देखा कि SHPL जैसी कंपनी हो, अच्छे प्रोडक्ट हो, अच्छा प्लान हो और 3 से 5 साल लगातार काम किया हो और उस आदमी की कामयाबी उसके साथ नहीं हुई। हर आदमी कामयाब होता है और दुनिया की कोई भी ताकत उसको फेल होने से नहीं रोक सकती, कामयाब ही होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच होगी तो एवरीथिंग पॉसिबल। और अगर इतना कुछ कर देंगे तो सोच नेचुरली बात है, हमारी मानसिकता जो है, हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो टारगेट है वो पूरा होगा। साथियों, यही यही चीजों को मैंने किया, इन चीजों को मैंने किया और आज आज मैं इस बिजनेस में जिंदा रहा। अगर साथियों, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर रहा, आज मुझे 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। मैं पिछले पिछले 4 साल से शर्माश्री के अंदर काम कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि मेरे जीवन का सबसे राइट जो डिसीजन था वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना, ये मेरा राइट डिसीजन रहा और इसमें टिके रहना रहा। और कौन सी कंपनी जो मुझे अब तक सबसे बेस्ट लगी, जो कि ग्रोन टू अर्थ है, वो शर्वाश्री। क्योंकि आज SHPL के कारण मेरे 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 सपनों को साकार हुआ। आज SHPL के कारण आज मैं लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। आज SHPL के कारण गाड़ी घोड़ा है। आज SHPL के कारण मेरे पास 2.5 करोड़ के 2-3 बिल्डिंगे हैं, जो SHPL के माध्यम से आज मेरा मेरी जो डे बाई डे ग्रोथ हो रही है। आज जो मार्केट के अंदर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम के अंदर, सोशल मीडिया में जो पहचान है वो SHPL के कारण है। आज मेरे रिश्तेदारों को पता है कि मैं जिन कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, जिन प्रोडक्टों के अंदर काम कर रहा हूँ, कमाल के प्रोडक्ट है, कमाल की चीजें हैं। दोस्तों, आज वी आर वेरी लकी पर्सन कि आज हम SHPL के पार्ट हैं। SHPL जो है में आप आजाद तो हो गए, आजादी तो मिल गई, आप साइन अप तो हो गए, बट SHPL की एजुकेशन सिस्टम के साथ, लीडरशिप के साथ जुड़े जुड़े रहिए तो आप 26 जनवरी की तरह गणतंत्रता दिवस होगी तो आपको पता है आपने क्या करना है और कंपनी ने उसके बदले में आपको क्या देना है। मुझे पता है मेरा अधिकार क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सिस्टम के साथ जुड़ेंगे। और हम तमाम तमाम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिस कंपनी ने हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनी के ऊपर वर्किंग कर रही है। आज लोग SHPL को नहीं जानते, पर आज SHPL भारत के हर स्टेट में है, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रेजेंस दे रही है। आज SHPL इंडिया की हर जगह पे है। बट हम कहते हैं ना, काश हमें वो कंपनी मिले जिस कंपनी के पास वो सारी रूल एंड रेगुलेशन हो, बट लोगों की कामयाबी की लिस्ट जो है अभी कम हो, मेरे से शुरू हो, मेरे एरिया में। तो आज वो मौका है शर्वाश्री का। आप चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो, चाहे आप राजस्थान में हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड हो, चाहे साउथ में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कलकत्ता में हो, वेस्ट बंगाल में हो,
कहीं पे भी हो, आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि आज एसएचपीएल के साथ है, एसएचपीएल सही है, एजुकेशन सिस्टम सही है, सिस्टम इतनी शानदार जानदार है। सिर्फ अब आपको कमिटेड होना है 3 से लेकर 5 साल अपने गोल के लिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इसी के साथ आज के सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन, और इतने सारे पॉइंट्स इतने कम टाइम में आपने बताए, और बहुत ही सारी सारी जो एक्सपीरियंस है वो आपने इस प्रेजेंटेशन में शेयर किया। बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आ गया सर। थैंक्स फॉर योर टाइम, और इतना कीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार सभी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा ये सेशन, और यहाँ पर आप अपने आप को म्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। तो बहुत बढ़िया जबरदस्त रहा सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया रहा, ऊपर से भी ऊपर, बढ़िया सर, बढ़िया, जबरदस्त। क्या बात है, कैसा लगा ये सेशन? जैसा बोला है उसको फॉलो करते हुए हम इस अपनी अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। एसएचपीएल में रह करके अपने सपनों को हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, अगर सर के इन सारे पॉइंट्स को आपने फॉलो अप किया और फॉलो अप करने के बाद इस पे काम किया तो आप बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज के दिन से दिन में आज की शाम को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। और विदा लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी क्या करें, वक्त की वक्त का डिमांड है ये कि 9 बज चुके हैं और आप सभी को अपने अपने और भी कई काम करने हैं, और जो पॉइंट्स की दिए गए हैं उसको फॉलो अप करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो फिर मिलते हैं अगले वेबिनार में इसी तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एसएचपीएल के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। मैं सरबजीत सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू नेक्स्ट वेबिनार।